श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी लोग जानते हैं कि है शीतला सप्तमी। यह वह सप्तमी है जो कि ज्येष्ठ एकादशी के पहले पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ एकादशी के पहले जो सप्तमी पड़ती है उसी दिन किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शीतला सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सप्तमी के दिन, मतलब इस ज्येष्ठ एकादशी के पहले पड़ने वाली सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाले शीतला सप्तमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। अब हम यह बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें शीतला सप्तमी के दिन करना किस समय?
तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए रंग भरा शीतला सप्तमी है और आप सभी लोग जानते हैं शीतला सप्तमी के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो, इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रख। खन्ना की शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 7:23 और रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित ही यह रंग भरा प्रदूषण व्रत आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मतलब फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए उपाय की सामग्री, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, वही बताते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है, तो देखो उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेल पत्र। क्या एक बेल पत्र क्या होती है? बेल पत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमी पत्र वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल जो उपाय का नाम है, तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन कौन सा लोगे? देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग में लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। तो एक एक मात्रा में ही आपको यह 4 सामग्री चाहिए।
एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लेना। प्रदूषित के दिन प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल, बेलपत्र, बील, गोरान सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, वह कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है और शीतला सप्तमी के दिन का। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना, ये जो दीपक आप लोग लोगे या आटे का लोगे, जो आटा आप गूंध दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा गूंध कर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रोज रखी हुई है उस रोज से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बना। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह आज के दिन तो मतलब इस दिन मत डालना, शीतला सप्तमी के दिन की, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके, ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर इसी मतलब घी से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी का की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी का की घी को अपने घर में हमेशा रखा करो, वह भगवान जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं।
उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो। जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, जकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वह शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। है ना अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय सुबह को कर रहे हो तो जाते से यह सफाई को नहीं करना है, पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक आप लोग जलाओ गाना या किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माच से चलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंचल, ये थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा, है ना। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए। उपाय को करने के लिए और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता असुर चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक कमी पत्र उठा लो, जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक कमी पत्र को उठाकर कमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ करके और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल, जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का, वह जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा।
और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, ना इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही जो है इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता शोषण जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग यह उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामना हो, धन धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके। उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना है, और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है, भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को धोक देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिल जाएगा। बोलिए हर हर महादेव।